अच्छा दोस्तों आज थोड़ा बवाल काम किया ये ये देखो यार एंड्रॉइड फोन है और इस पर विंडोज चला दी बिल्कुल टॉप क्लास भाई चीजें वर्किंग कर रही है इवन सॉफ्टवेयर भी चलेंगे और देखा जाए तो भाई आप थोड़े टाइम के लिए इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज कर सकते हो हम लोग करने के हाले हैं भाई पे दो तरीके एक तो अगर आपके पास पीसी अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छा है भाई आप उसी को यूज करके यहाँ पे सारा कुछ कर सकते हो बट हाँ अगर पीसी नहीं है तो आपके पास प्रेफरेबल पता है क्या है क्लाउड क्लाउड बहुत अच्छी चीज है और मजे की बात देखो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है एक मंथ के लिए आपको मिलता है हाँ एक मंथ का आप फ्री ट्रायल उठा सकते हो और उसको यूज भी कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट

और क्लाउड लिख दोगे तो और अच्छा है बाकी आपको टॉप पे लिंक मिल जाएगी अब बटन तो देखो पहली बार करोगे तो आपको बट तो आपका बना लिया था सबमिट है मेरे हिसाब से हा ओपन हो गया अब यहाँ जैसे आपका अकाउंट ओपन होगा ना तो आपको यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप का ऑप्शन मिलता है लाइक अब अपने कोई भी डिवाइस में यूज कर सकते हो वैसे तो मैं यहीं से चला सकता था वो पीसी में चल जाता बट ये रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा आपके पास सारे ऑप्शन आ जाते विंडोज मैक आ गया फिर आपके पास आई डिवाइस है तो वहां का आ गया और ये एक यार एंड्रॉइड का आ गया अब यहाँ देखो सबके नीचे आपको सब्सक्रिप्शन दिख रहा है ना ये यू हमें बस चाहिए था तो ये यू जैसे क्लिक करेंगे ये यू को बस हमें यहाँ से निकालना था डेस्कटॉप से तो ये सेम चीज आप यार क्रोम ब्राउजर में डेस्कटॉप मोड से भी कर सकते हो बस इसको कॉपी करता हूँ और अब ऐप में चलते हैं ओके okay, दोस्तों यहाँ पे एंड्रॉइड डिवाइस पे तो मैं आ चुका हूँ कुछ भी अभी तक कनेक्ट नहीं है ना कीबोर्ड ना न आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है प्ले स्टोर ओपन कर लेना है यहाँ पे आपको सर्च में भाई आपको लिखना पड़ेगा आर डी कनेक्ट लिख दो ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्ट होता है भाई जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफर करा जाता है तो इसका मदद लेंगे ये देखो यार रिमोट डेस्कटॉप भी आप लिख सकते हो तब भी आ जाएगा अब देखो इसको आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है बहुत सस्ता सा एप्लीकेशन है कोई बड़ी दिक्कत नहीं यहाँ पे इंस्टॉलेशन अपना कंप्लीट हो गया अब इस तरीके का पेज आएगा आपको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ तो ये मैंने आरडी कनेक्ट ओपन कर लिया एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसको अब देखो यहाँ पे आपको नो no पीसी दिखाएगा तो आपको सिंपली करना क्या है यहाँ यह प्लस वाला बटन आ रहा है ना टॉप पे इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे एड पीसी और एड uh, वर्कशॉप का ऑप्शन था अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो हमें यहाँ पे पीसी अगर आप अपना नॉर्मल पीसी एड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट है बट हाँ हम यहाँ पे वर्कशॉप करेंगे क्योंकि हम लोग यार विंडोज थ्री यूज कर रहे हैं ना तो यहाँ पे इस पे गया अब यहाँ पे मुझे वो आर एल डालना है वर्कशॉप वाला जो मैंने वहां पे कॉपी करा था थार वी गो मैंने जो कॉपी कर रखा है वो मेरे पास अवेलेबल है इसको मैं सिंपली पे पेस्ट कर देता हूँ आप आप आई डी मैं फटाफट कर लेता हूं दोस्तों इस तरीके से कुछ आप यार विंडोज इलेवन देख सकते हो एंड्रॉइड पे चला सकते हो बाकी हाँ ये तो क्लाउड पीसी के जरिए चला रहे बाकी यहाँ इस हमने यार बहुत सारी चीजें टेस्ट आउट करी थी लाइक स्पीड स्पीड वो आप आई बटन वाली वीडियो से देख सकते हो वहां पे हमने

हमने पर डुअल कोड ले लिया था और इतना खासा नहीं है मतलब चीजें इतनी अच्छी वर्किंग नहीं करती है लैक टाइप का फेस होता है क्राउड में यही दिक्कत रहती है कुछ कुछ चीजें अगर आप थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करो तो बेस्ट है लाइक आप फाइव तक करो तब यार आप एंड्रॉड पर एक अच्छी चीज पढ़ा पाओगे बाकी यहाँ इमुलेटर्स भी एक तरीके होते हैं एंड्रॉइड को पूरा इंस्टॉल कर देना अपने एंड्रॉइड में पर वो बेकार लगते हैं मेरे को क्योंकि वो इतनी अच्छी वर्किंग नहीं है बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है इसलिए मैं तो वो बिल्कुल अवॉइड करूंगा बाकी हाँ अगर आपके पास पीसी है या फिर आपको ऐसा तरीका चाहिए जिससे आप अपने पीसी को एंड्रॉइड पे चला सकते हो टोटली कंट्रोल हो रहा है तो वो सब चीजें आप कर सकते हो भाई इस पर यह तरीका भी बेस्ट है ये रिमोट क्लाइंट वाला या फिर आपको आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगी वो हमने पूरा क्लाउड पीसी अपना बनाया था क्लाउड का सर्वर जो बोल सकते हो तो वैसा भी कुछ आप कर सकते हो तो ये टोटली सीन था मैंने सोचा तो आपको यार एंड्रॉयड पे विंडोज चला के दिखाई ये कुछ ऐसा आप सेट कर सकते हो बाकी चलो यार इस वीडियो में इतना अगर पसंद आई हो तो बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो सब्सक्राइब बनता है शेयर कर देना यार मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय जय हिंद जय भारत वंदे mataram